हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने चैनल आपका गार्डन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने पोर्चुलाका के वो प्लांट्स दिखाऊंगी जो मैंने टेरेस पर हैंगिंग पॉट्स में लगा रखे हैं। पोर्चुलाका, जिसे मॉस रोज, टेबल रोज, 9 o'clock फ्लावर्स भी कहते हैं, गर्मियों का एक बहुत ही खूबसूरत और लंबे टाइम तक फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने पोर्चुलाका के कौन कौन से कलर के प्लांट्स लगा रखे हैं। सबसे पहले इस प्लांट को देखिए, ये मजेंटा कलर की वैरायटी है जो बहुत कॉमन है। मेरे इस प्लांट पर काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग चल रही है, आप देख सकते हैं। इसके बाद ये देखिए, ये इसमें लाइट कलर के, मतलब लाइट पिंक कलर के फूल खिले हुए हैं जो शेडेड हैं। ये भी बहुत सारे, मतलब इसमें फूल खिले हुए हैं और बर्ड्स भी इसमें काफ़ी सारी हैं। ये भी पोर्चुलाका के प्लांट की ओरिजिनल वैरायटी है, जैसे मजेंटा कलर वाली थी। अच्छा, इसके बाद ये भी मजेंटा कलर के, मतलब मैंने लगा रखे हैं इसमें प्लांट्स। इसमें भी ब्लूमिंग चल रही है, हालांकि इसमें एक दो फूल ही खिले हुए हैं। इससे अगला जो प्लांट है वो मेरा फेवरेट प्लांट है, आप भी देखें। देखिए इसका जो कलर है ना, वो बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही प्यारा येल्लो है। तो जितने भी मेरे पास, मतलब पोर्चुलाका के प्लांट हैं, सबसे मतलब मेरा फेवरेट है। ये देखिए, आप भी देख सकते हैं इसका कलर बहुत सुंदर है। ये देखिए, ऐसे तो येलो कलर का और भी प्लांट है मेरे पास जिससे येलो कलर के फूल खिलते हैं, पर ये येलो बहुत ही सुंदर है। रेनी सीजन की वजह से इन सभी पोर्चुलाका के प्लांट्स पर थोड़ी कम ब्लूमिंग हुई है। अगर तेज़ धूप होती तो और ज़्यादा अच्छी ब्लूमिंग होती, फिर भी एक ठीक ठाक ब्लूमिंग है। इसके बाद देखिए, ये रेड कलर का पोर्चुलाका का प्लांट, ये देखिए इसका जो कलर है ना, बहुत ही प्यारा रेड है। हालांकि दूसरे टाइप के रेड फ्लावर वाला प्लांट भी मेरे पास है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, वो इतना सुंदर नहीं है जितना कि ये है। इस खूबसूरत रेड के बाद देखते हैं पोर्चुलाका का ये रेयर प्लांट, मतलब रेयर कलर है इसका, जो बहुत कम मिलता है नर्सरियों में। इसका कलर इतना सुंदर है कि मुझे लगता है जैसे होता नहीं है वो रोज़ प्लांट में डबल रेड लाइट रोज, बिल्कुल वैसे ही शेड है इसका, बहुत ही सुंदर है। इस पॉट में मैंने और भी कलर लगा रखे हैं, हालांकि फूल बस एक ही निकला है इसमें, एक ही कलर का, और भी कलर है इसमें। इसके अलावा ये देखिए, ये हाइब्रिड पोर्चुलाका है। हाइब्रिड पोर्चुलाका के जो प्लांट्स होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं, पर फूल काफ़ी बड़ा होता है इसका भी। ये देखिए, ये पीच कलर का है इसमें, और मतलब मैंने दो शेड इस एक ही पॉट में लगा रखे हैं, वाइट और पीच कलर के। इस पॉट के आगे देखते हैं कौन सा पॉट है। ये देखिए, इस पॉट में मैंने सारे वाइट प्लांट लगा रखे हैं, वाइट फ्लावर वाले, और ये हाइब्रिड नहीं है, नॉर्मल वेराइटी है। ये देखिए, इसका फूल थोड़ा छोटा आ रहा है अभी, मतलब धूप थोड़ी जितनी कम होती है उतने छोटे फूल आते हैं, अगर तेज़ होती तो बहुत बड़े बड़े फूल खिलते। और ये नॉर्मल मजेंटा जो मैंने बहुत सारे लगा रखे हैं अपने गार्डन में, ये हैंगिंग पॉट में नहीं है, ये ऐसे ही मतलब छोटे से पॉट में है जो दीवार के ऊपर रखा हुआ है। इसके बाद देखिए, ये दोनों मैंने मिक्स करके लगाए हुए हैं, मतलब है तो ये नॉर्मल वेराइटी, ये आपको मैंने स्टार्टिंग में भी दिखाए थे, और इसमें भी आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारी ब्लूमिंग है, काफ़ी सारे फूल खिले हुए हैं इसमें एक साथ। दोनों काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, लाइट पिंक और डार्क पिंक। इसके बाद इसमें एक और, मतलब बहुत सुंदर सा ये पीच कलर का है, वो पीच अलग था, वो हाइब्रिड था और ये नॉर्मल वेराइटी है, ये थोड़ी डार्क पीच कलर का, इसका फ्लावर बहुत ही सुंदर है। देखिए मैं थोड़ा सा पास करके दिखाती हूँ, आप इसका शेड देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर, मतलब पीच कलर है थोड़ा सा। ये देखिए, मतलब हल्का सा इसमें पिंकिश शेड भी है, और इसमें भी मैंने ये मजेंटा कलर के प्लांट लगाए हुए हैं। मतलब एक लंबा सा बड़ा सा पॉट है, इसमें छोटे छोटे पॉट मैंने रखे हुए हैं, ये हाइब्रिड वाले हैं। देखिए, एक येल्लो, मैं इसकी बात कर रही थी कि दूसरा येल्लो है, वो पहला वाला येल्लो सिंगल येल्लो था, और ये देखिए इसमें शेड भी है बीच में, ये भी अच्छे हैं, ये हाइब्रिड है, हालांकि वो फूल बहुत सुंदर था। मतलब इसमें अभी देखिए काफ़ी सारे सूखे फूल हैं, इसमें अभी ब्लूमिंग हो गई है, और बारिश से थोड़े से ये ख़राब भी हो गए, तो एक साथ लगे हुए हैं तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। इसके बाद देखिए, ये रेड, इस रेड की मैं बात कर रही थी, एकदम टमाटर का जैसे रेड है ये, पहला वाला तो बहुत डार्क था, वो बहुत सुंदर था, बट इस ये रेड भी ठीक है, ये भी अच्छा लग रहा है। और इसके बाद जो ये फिर से मेरा मजेंटा और रेड दोनों मिक्स हैं इसमें, और ये मेरा एक ऑरेंज कलर है, इस पर इस टाइम ब्लूमिंग नहीं हो रही, इस पर काफ़ी सारे फूल जो थे वो सूख गए और अब इस पर कोई ब्लूमिंग नहीं हो रही। चलिए मैं आपको एक बार दिखा दूं कि ये कैसे लग रहे हैं पूरे लगे हुए। तो इस तरह आप भी हैंगिंग पॉट्स में लगा सकते हैं, देखें कितने सुंदर लग रहे हैं। ये देखिए,
मतलब लाइन से लगे हुए हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं, गार्डन को अलग ही लुक देते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर बता दूँ कि पोर्टुलाका के प्लांट को आप कटिंग से और सीड से दोनों से ग्रो कर सकते हैं और आप इनकी सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। सीड से ग्रो करने के लिए तो थोड़ा लेट हो गया क्योंकि अभी जुलाई का मंथ चल रहा है और विंटर आने में अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए कटिंग आप लगा सकते हैं। हालांकि उन पर भी जो फ्लावरिंग होगी वो 1 से 1.5 महीने बाद स्टार्ट होगी, पर विंटर पास होने की वजह से आप उन पर ज़्यादा टाइम तक फ्लावरिंग नहीं ले पाएंगे। इसलिए अगर आप अभी पोर्टुलाका प्लांट ग्रो करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा ऑप्शन है कि नर्सरी से जो पौधा लाएं उसे सीधे पॉट में लगा लें। वो पौधा नए पॉट में बहुत जल्दी सेट हो जाएगा और उसकी फ्लावरिंग रुकेगी भी नहीं। अगर तेज़ धूप निकली मतलब इस रेनी सीजन में तो उस पर अच्छी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये था मेरे पोर्टुलाका प्लांट्स जो कि हैंगिंग पॉट्स में लगे हुए हैं का ओवरव्यू। उम्मीद है पसंद आया होगा। आपके पास बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, केवल बालकोनी में एक रेलिंग है तो उसके ऊपर आप ऐसे पॉट्स टांगकर उनमें ये पोर्टुलाका के प्लांट्स लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी मेरी वीडियो? वीडियो अगर पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू व्यूअर्स, आपका दिन शुभ हो।